हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो स्ट्रोम इफेक्ट इंट्रो। वैसा इंट्रो क्रिएट करने के लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन का यूज़ करना है, जिनका नाम है पिक्सल लैब और काइनमास्टर। अगर आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन नहीं है तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करना, वहाँ आपको इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इन दोनों को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट मिलेगा, इसको आपको सबसे पहले डिलीट करके नीचे लेआउट में आपको सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है लेयर का, उसमें क्लिक कर लेना है आपको। और यहाँ पे इसे आपको ट्रांसपेरेंट करके इमेज साइज़ का एक ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करके कस्टम में क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपली आपको ओके में क्लिक कर लेना है। उसके बाद उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है हेक्सागन शेप का थर्ड में, उसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको इंपोर्ट ऑल ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपका जो लोगो है उसको आपको यहाँ पे लोड करके सिंपली आपको इसे सेंटर में कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से सेंटर में एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे मिलेगा रिलेटिव पोजीशन का एक ऑप्शन। उसमें क्लिक करके इन दोनों वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऊपर और नीचे सेंटर में दो ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें क्लिक करके आपको इसे सेंटर में अच्छे से एडजस्ट करके सिंपली आपको टिक में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एस डी कार्ड का एक ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करके सेव एस इमेज कर लेना है आपको इसे, और कस्टम में क्लिक करके अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी आपको इसे कर लेना है। उसके बाद सिंपली इसे डी सिलेक्ट करके यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करके इसे इस शेप को पूरे स्क्रीन में कुछ इस तरीके से कवर करके यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे फिल कलर का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करके सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टू बैक का एक ऑप्शन। इसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको लोगो में क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो कलर का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट करके सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है आपको। और यहाँ पे ऊपर में जो लेयर का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करके नीचे में जो राइट और रॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्लिक करके यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में टिक लगा लेना है आपको। और यहाँ पे जो नीचे में टिक आ रहा है उसके बगल में एक ऑप्शन है मर्ज का, उसमें क्लिक करके ओके में आपको क्लिक करके इन दोनों को आपको मर्ज कर लेना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को आपको क्लोज करके इरेज कलर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक कर लेना है आपको। और यहाँ पे इसे इनेबल करके ये जो ऑप्शन है इसको आपको पूरे 70 तक करके सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। और इसको भी यहाँ पे एच डी कार्ड वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेव एस इमेज करके यहाँ पे इसका डायमेंशन आपको अल्ट्रा कर लेना है, और सेव टू गैलरी इसे भी कर लेना है आपको। उसके बाद आपको आ जाना है बैक होम स्क्रीन पे, और यहाँ से आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है 16:9 वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड भी चलेना है, और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लोड करके इसका ड्यूरेशन आपको 9 सेकंड तक कर लेना है। 9.6 या फिर आप 10 सेकंड तक भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको टिक में क्लिक करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको चले जाना है लेयर में, फिर मीडिया में। मीडिया आने के बाद हमने जो थोड़ी देर पहले पिक्सल ऐप से लोगो सेव किया था उस लोगो को आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। लोड करने के बाद इसका ड्यूरेशन पूरे एंड तक करके सेम ऊपर वाले लेयर की तरह ही आपको यहाँ पे सीजर के बगल में एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट स्क्रीन का, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन इसे कर लेना है, और बैक आके सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको वापस से जाके आपको वापस चले जाना है लेयर में, फिर मीडिया में, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो फुटेज का डाउनलोड लिंक मिलेगा। ये वीडियो फुटेज को आपको वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर लोड कर लेना है। लोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आउट एनिमेशन का, उसमें क्लिक करके इसका आउट एनिमेशन आपको सेट कर लेना है फेड, और जो टाइमिंग है आपको 1 सेकंड ही रहने देना है। उसके बाद आपको बैक आके यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे एंड की तरफ तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन। ब्लेंडिंग में क्लिक करके इसको आपको कर लेना है यहाँ पे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इस जो ये वीडियो फुटेज है इसको लोगों के ऊपर कुछ इस तरीके से कवर करके सिंपली आपको टेक में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको चले लेना है वापस से लेयर में, फिर वापस से मीडिया में। मीडिया आने के बाद हमने जो दूसरा इमेज सेव किया था उस इमेज को हमें यहाँ पर लोड कर लेना है। लोड करने के बाद सिंपली इसका भी ड्यूरेशन हमें पूरे एंड तक करके सेम यहाँ पे सेम इसे भी स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन में जाके फुल स्क्रीन कर लेना है, और सिंपली टिक में क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है आप लोग देख सकते हो ये जो सेव का, इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इसे कर लेना है। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट होने के बाद आपको आ जाना है बैक वापस से काइनमास्टर के होम स्क्रीन पे।
फिर यहाँ से आपको प्लस में क्लिक करके यहाँ पे आपको सेम 16 रेशन लाइन वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लेना है। और इस बार आपको इंट्रो का जो टेम्पलेट है उसको आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। सो इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसे भी आपको वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लोड कर लेना है। फिर इसके बाद आपको आ जाना है 0.8 या फिर 9 सेकंड में। सो इतना आने के बाद आपको चले जाना है वापस से लेयर में, फिर वापस से मीडिया में, फिर हमने जो एक्सपोर्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले उसको आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। लोड करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके पूरे एंड में तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन वापस से। सो इसमें क्लिक करके आपको इस बार वापस से यहाँ पे स्क्रीन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिंपली आपको आ जाना है बैक, और यहाँ पे आपको आ जाना है 1.5 सेकंड में। फिर यहाँ से आपको साइड में की एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है की का, उसमें क्लिक करके यहाँ पे आपको एक प्लस लगाना है, और एंड की तरफ आपको आ जाना है 7.4 या फिर 5 सेकंड में। और यहाँ पे आपका जो लोगो है उसको आपको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके सिंपली आपको टिक में क्लिक कर लेना है। जो ये इंट्रो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो मैं आपसे को प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो इंट्रो है वो ओवरऑल कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, मिलता है एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।